हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे आप बिल्कुल ठीक ठाक कैसे होंगे। तो आज हम करेंगे सिंध NTS 2018 मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट को। ओके फ्रेंड्स, तो कंप्लीट देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कि आते हैं सिंध NTS टेस्ट में। तो चलिए चलते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन की तरफ। तो मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई करने हैं हमें वर्ड्स और फ्रेजेस दैट नीड्स टू बी चेंज, जो कि जिन्हें ज़रूरत है चेंज होने की फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दीजिए, जैसे हमें अपलोड शुदा वीडियोज़ आपको मिलती रहे, आपकी नॉलेज में इजाफा होता जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम करते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर वन को। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, चेंज करने वो वर्ड्स जो कि गलत हैं या फ्रेजेस। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट्स टू लेट टू गो फॉर वॉक नाउ बिसाइड इट्स बिगनिंग टू रन। क्या कह रहा है यहाँ पर, इट्स टू लेट है, यहाँ पर अब जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ना वो चेंज करने, अगर वो गलत हैं तो, अगर नहीं है तो फिर हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हमें उनमें से कोई चूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या गलत है, इट्स टू लेट, यहाँ पर बहुत सारी लेट हो गई है, देर हो गई है, टू गो फॉर वॉक नाउ अभी जाने के लिए, बिसाइड इट्स बिगनिंग टू रेन, क्योंकि अभी बारिश भी होने वाली है इसलिए यहाँ पर बहुत सारी लेट हो गई है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटेंस सही लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं। तो हम क्या लगाएंगे, ई नंबर हमारा ठीक आंसर है जो कि है नो एरर, यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि है, द गेस्ट ब्रोकन अ डजन ग्लास एट द पार्टी, मेहमानों ने तोड़ दिए डजन ग्लास पार्टी पर। तो ग्लास के लिए डजन का वर्ड नहीं यूज़ होता, तो इसलिए यहाँ पर जो एरर आएगी फ्रेंड्स तो वो क्या आएगी, ग्लास जो है ना वो एरर है यहाँ पर, क्योंकि डजन है अगर तो यहाँ पर ग्लास नहीं आएगा, ग्लास का कोई डजन नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर ये एरर थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, हमें वो कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस ए टू डी और ई ब्लू एच। ठीक है, यहाँ पर हमें वो वर्ड्स यहाँ पर लगाने हैं जो कि सेंटेंस को पूरा करें, मुकम्मल करें ऑप्शन में से। तो हमारा थ्री नंबर क्या है, He would like dash have a job in the same office and his brother. As his brother. Sorry. Okay, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, He would like dash have a job in the same office as his brother. से भी वही job पसंद है जो कि इसके भाई की है same office में। Okay, तो यहाँ पर क्या आएगा, He would like to have a job. या he would like to have a job और he would like of to have a job in the same office as his brother और D number get for। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है हमारा फ्रेंड्स वो क्या है, he would like of to have a job in the same office as his brother। ये भी वैसी जॉब चाहता है जैसे कि इसके भाई की है उसी सेम ऑफिस में। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मुश्किल सी कोई भी बात नहीं है यहाँ पर जो कि आपको समझ में ना आए। तो हमें फोर्थ नंबर एमसीक्यूज़ है, द रोड इज़ वेट, रोड वेट है यानी कि गीला है रास्ता, इट हैड रनिंग। आपको पता है फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर रनिंग लिखा हुआ है, मतलब ये कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो हैड भी कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैज़ भी नहीं है, हैव भी नहीं है, तो हैव बीन जो है वो हमारा कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, इट मस्ट हैव बीन रनिंग। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट, चूज द मोस्ट वर्ड मोस्ट सिमिलर एंड मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन, सिमिलर मीनिंग यानी कि हमें सिनोनिम्स करने। तो फ्रेंड्स अभी हमें पता नहीं है कि यहाँ पर सिनोनिम क्या है, किसका, शेबी का। ठीक है, हमें यहाँ पर सिनोनिम मीन्स सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर मीनिंग या इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग हमें बतानी है। तो शेबी का सिनोनिम क्या है, ऑर्गेनाइज अनटेडी रिलक्टेंट सेंसिबल। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास बी नंबर, अनटेडी। ठीक है फ्रेंड्स, फॉरबिड, फॉरबिड मतलब माफ़ कर देना। ठीक है फ्रेंड्स,
नहीं, फॉरबिड मतलब मना करना, वो फॉरगिव होता है जिसका मतलब माफ़ कर देना होता है, ये फॉरबिड यानी कि मना करना। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा, प्रोहिबिट, चाइल्ड, परमिट, कंस्ट्रेंट। तो प्रोहिबिट जो है हमारा सही ऑप्शन है, प्रोहिबिट मतलब भी मना करना होता है। ओके फ्रेंड्स, ये हमें टेलीविजन यानी कि टीवी के मुताबिक एक यहाँ पर हमें टेलीविजन के मुताबिक कुछ इंफॉर्मेशन है कि टेलीविजन इज़ अ टिपिकल ऑफ मैनी न्यू साइंटिफिक वर्ड्स। साइंटिफिक वर्ड्स में से ये एक टिपिकल है, बल्कि ये इजी है, यहाँ पर टिपिकल लिखा हुआ है बट इजी है, विच आर डेलिब्रेटली इन्वेंटेड बाय ओल्ड ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स। टेलीविजन जो है ओल्ड ग्रीक एंड लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, ग्रीक यानी कि यूनानी, लैटिन मतलब लातनी बोल से लिखा हुआ है, निकला हुआ है। इन दिस केस द प्रीफिक्स, यहाँ पर इस केस में जो टेलीवियन है उसका प्रीफिक्स यानी कि जो आगे आया है वियन के, तो वो जो है टेली है, वो ग्रीक वर्ड है और जो जिसके मतलब है फार यानी कि दूर, और टेलीफोन जैसे कि टेलीग्राम हो गया, तो इनमें भी टेली टेली क्या है, ये प्रीफिक्स है, उसकी मतलब क्या है, फार। वाइल द रूट और उसके जो रूट है जिसे हम प्रीफिक्स कह रहे हैं, तो उसके जो रूट है वो विजन है, जिस जो कि लैटिन वर्ड से ड्राइव की गई है, जिसका मतलब है टू सी, देखना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्ड हमें 7 नंबर क्वेश्चन में, द वर्ड टेलीविजन इज़ इन्वेंटेड फ्रॉम, जो वर्ड टेलीविजन है ये कहाँ से इन्वेंट किया गया है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन है इंग्लिश एंड स्पेनिश से, फ्रेंच एंड अरबिक से, डच एंड जर्मन लैंग्वेज से, या ग्रीक एंड लैटिन से। तो मैंने अभी आपको बताया टैली जो है वो क्या कहाँ से निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड से, ओके, जिसका मतलब क्या है, फार यानी कि दूर, और जो इसका विजन है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है टू सी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आया, ग्रीक एंड लैटिन। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरा नंबर हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स टैली। तो प्रीफिक्स टैली के मीनिंग मैं आपको बता भी चुकी हूँ, और यहाँ पर आपको बताना भी है फिर से कि क्या है इसकी मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश। इसका सिनोनिम क्या है, नियर, क्लोज, फार, अवे। तो इसका सही आंसर है फार, ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारे 25 आज के इस लेक्चर में हम 25 MCQs करेंगे, और इसके 4 पार्ट्स होंगे क्योंकि 100 MCQs है टोटल। तो दूसरे लेक्चर्स भी मत देखना भूलिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं हम, चूज़ द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। अब यहाँ पर हमें एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड बताने, वर्ड अपोजिट होते हैं ना वैसे। तो सुपर मैसी, ठीक है फ्रेंड्स, तो सुपर मैसी का हमें अपोजिट बताना है कि क्या होगा, एक्सीलेंसी, सेवेनिटी, इनफेरिटी या इन्फ्लुएंस। तो सुपर मैसी का अपोजिट होगा इनफेरियरिटी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद पेट्राइटिज्म यानी कि हुब्बुल वतनी। तो 10 नंबर है पेट्राइटिज्म, तो उसका हमें अपोजिट बताना है, ठीक है, जो कि उसकी मीनिंग में अपोजिट हो, नेशनलिज्म, सोशलिज्म या ऑब्सेशन और डिसलॉयल्टी। पेट्राइटिज्म मतलब हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत करने वाला, डिसलॉयल्टी मतलब जो वतन से मोहब्बत ना करता हो। तो डी नंबर हमारा सही ऑप्शन है। अब हमारा ऑप्शन आ गया, ये हमारा इंग्लिश था सेक्शन, वो ख़त्म हो गया। अब हमें बायोलॉजी आ रहा है। तो बायोलॉजी में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ फेजेस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज द मोस्ट रैपिडली। इनमें से कौन सा फेज है जिसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है ना वो रैपिडली इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया रैपिडली इंक्रीज किस फेज में होता है। तो लॉग फेज है, लॉग फेज है, और स्टेशनरी फेज है, या डेथ और डिक्लाइन फेज है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्या आंसर सही होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉग फेज। इसमें हमारा बैक्टीरिया का नंबर जो है ना वो रैपिडली इंक्रीज करता है। ओके फ्रेंड्स, तो और जो लैग फेज है इसमें बैक्टीरिया तैयार होता है, मतलब अपने ग्रोथ के लिए तैयार होता है, इसमें ये इंक्रीज होता है, इसमें इसके नंबर स्टॉप हो जाते हैं इंक्रीज होना, और इसमें ये डेथ हो जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैथोजन काजेस डिजीज। इसमें से कौन सा है
जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कि पैथोजेंस का सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कि डिजीज़ काज करता है, वायरस, पिरियॉन्स, फंगस, अमोबा। तो इसमें से सही ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा बी नंबर, पिरियॉन्स। तो चलिए आगे, द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू मेक डाउन फॉर द स्कार, जो ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, जिनकी कैटेगरी है, जो कि एबल है, काबिल है कि वो अपना खाना खुद बनाए, तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स खाना बनाने वाले। ओके, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द फॉसिल रिकॉर्ड इज कॉल्ड, जो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करे फॉसिल रिकॉर्ड से। फॉसिल यानी कि फॉसिल क्या होते हैं, जो पिछले ज़माने में जो के एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, जो कि तूफान आने की वजह से जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं ना, जो कि दफन हो जाते हैं बहुत तूफान आने की वजह से, जैसे कि मोहनजोदड़ो में प्लांट्स, एनिमल्स, इंसान भी इस तक के वहाँ पर दफन हो गए थे तूफान आने के सवाल। तो उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? द जेनेटिक्स, टैक्सोनॉमी, आर्कियोलॉजी, प्लांटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर ऑप्शन, प्लांटोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, प्लांटो मीन्स फॉसिल्स, लॉजी मीन्स टू स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इसका प्लांटोलॉजी। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, इसमें से कौन सी वो मैनिपुलेशन है जो कि ऑफ जेनेटिक मटीरियल के फॉर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। तो इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सी नंबर हमारा सही ऑप्शन है। विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन, तो सेल के किस पार्ट में ग्लाइकोलाइसिस होती है? ठीक है फ्रेंड्स, ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज का टूटना, सेल के किस पार्ट में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या वैक्यूल। तो हमारा सही नंबर ऑप्शन है सी नंबर, साइटोप्लाज्म। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा 17 नंबर एमसीक्यूज है। द टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स इज कॉल्ड, जो कि टेक्निक यूज होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस, पॉलीमॉर्फिज्म, जीन सिक्योरिंग। तो इसका सही नंबर ऑप्शन है बी नंबर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपने देखा होगा ना फ्रेंड्स, जैसे कि सीआईडी में ही हमने देखा है कि जब भी कोई क्रिमिनल पिस्टल उठाता है, उससे कोई भी गोली चलाता है, तो उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर पिस्टल पर आ जाते हैं, और फिर उसी से ही सीआईडी उसका पता लगाती है क्रिमिनल का। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कहाँ से होती है? उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, उसकी डीएनए जो होता है ना उसकी फिंगर्स में, वो उस पर लग जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया एबल टू रिलीज ऑक्सीजन इन टू द एनवायरमेंट, कौन से बैक्टीरिया काबिल होते हैं कि वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करें एनवायरमेंट में? तो फ्रेंड्स, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है सी नंबर, साइनोबैक्टीरिया, ने हम ब्लू ग्रीन अल्जी भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, 19 नंबर है हमारा एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आरएनए, इनमें से कौन सा है जो कि आरएनए का पार्ट नहीं है? आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका पार्ट इनमें से कोई कौन सा नहीं है? नाइट्रोजनस बेस, राइबो शुगर, डिऑक्सी राइबो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, एडेनाइन। तो फ्रेंड्स, ये सब जो है ना नाइट्रोजनस बेस भी होता है आरएनए में, राइबो शुगर भी होता है। ये देखिए, ये राइबो शुगर होता है, आरएनए का मॉलिक्यूल है। ओके, और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस भी लगा होता है, और फास्फेट ग्रुप भी यहाँ पर ये 5 नंबर है ना, यहाँ पर फास्फेट ग्रुप भी अटैच हुआ होता है। एडेनाइन यहाँ पर इस नाइट्रोजनस बेस पर एडेनाइन भी लगा होता है। सिर्फ राइबो शुगर भी होती है नाइट्रोजनस बेस, सिर्फ ये डीऑक्सी राइबो शुगर नहीं होती, क्योंकि ये कहाँ पर होती है? ये होती है डीएनए में। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा सही नंबर ऑप्शन क्या होगा? डीऑक्सी राइबो शुगर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
रिफरिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस आर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिफर करते हुए ह्यूमंस क्या हैं? हर्माफ्रोडाइट्स, वाइविपेरस, ओविपेरस, सेल्फ फर्टिलाइज। तो हमारा सही नंबर ऑप्शन है बी नंबर, वाई वाई पोरस ओके पेरस। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा फंक्शन है, काम है जो कि सेल मेम्ब्रेन नहीं करती? प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, सेलुलर कम्युनिकेशन, सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारा सही नंबर ऑप्शन है सी नंबर, जो कि है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्शन भी करती है साइटोप्लाज्म की, रेगुलेट भी करती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, उसके पैसेज को, सेलुलर कम्युनिकेशन भी करती है, सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन भी करती है, सिवाय प्रोटीन को नहीं बनाती। प्रोटीन को कौन बनाते हैं? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ओके फ्रेंड्स, ये सब जो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ ना, ये भी एमसीक्यूज आते हैं। 22 नंबर ऑप्शन है हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द डीएनए इज कोडेड एज, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना डीएनए में, वो कैसे कोडेड होती है, किस तरह से, किस फॉर्म में होती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर की फॉर्म में, राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, सिक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस पेयर्स, सिक्वेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो इनका सही नंबर ऑप्शन है डी नंबर, सिक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस पेयर्स। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। द क्रोमोसोम विद इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एरोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। तो हमारा सही नंबर ऑप्शन है हमारा ए नंबर, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की दोनों जो आर्म्स होती है ना, वो इक्वल होती हैं। ओके फ्रेंड्स, द डिजीज अराइज ड्यू टू द एज, जो कि एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से डिजीज अराइज होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्जीमर, हेपाटाइटिस, कारवा, मलेरिया, बर्बरी। तो इसका सही नंबर ऑप्शन है ए नंबर, अल्जीमर्स। ये जो है ना, उम्र हो जाती है ना, इंसान बूढ़ापन में आ जाता है ना, फिर ये होती है। ओके फ्रेंड्स, बाकी ये तो सब हेपाटाइटिस, कारवा, मलेरिया, बर्बरी, तो ये हमें बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, 25 नंबर हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस रिप्लिकेट्स विद इन ह्यूमन सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस रिप्लीकेट्स विद इन ह्यूमन सेल्स, नीचे दिए हुए कौन से जो एंडो पैरासाइट्स, एंडो मीन्स अंदर, पैरासाइट मीन्स जो हमें नुकसान दे और हमें हमसे फ़ायदा ले, कि कौन से एंडो पैरासाइट्स हैं जो कि ह्यूमन के अंदर रहते हुए ह्यूमन सेल से रिप्लीकेट होते हैं, बढ़ते हैं? बैक्टीरिया, लीच, फंजाई, हेलमिंथेस। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही ऑप्शन है, बैक्टीरिया। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए 25 MCQs किए हैं हमने, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये 26 से हम शुरू करेंगे और फिर 40 तक के हमारे रहे होंगे। क्या ये देखें, 40 तक हमारे बायो के MCQs होंगे और उसके बाद हम फिज़िक्स को भी करेंगे दूसरे लेक्चर में, और तीसरे लेक्चर में इंशाल्लाह केमिस्ट्री को भी करेंगे, तो देखना मत भूलिएगा। ये देखिए 70 जो है वो हमारे फिज़िक्स के हैं, 40 हमारे बायो के, 30 हमारे यानी कि फिज़िक्स के क्वेश्चंस होंगे और फिर केमिस्ट्री, तो देखना मत भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है तो।